नीट यूजी 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया डेली कुछ ना कुछ एमसीसी और स्टेट चल रही है। लगभग हर स्टेट की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चल रहे हैं। साथ में अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं, एमसीसी की बात करूं, तो उन्होंने दो बार डेट एक्सटेंड कर दी है। साथ में अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो उनकी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, केरला की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है। साथ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और भी अदर स्टेट के प्रोसेस काउंसलिंग के चल रहे हैं। जहां तक एमसीसी के रिजल्ट का सवाल है, एमसीसी के फर्स्ट राउंड का सवाल है, तो हो सकता है आपको एमसीसी की रिजल्ट में डिले एक दिन का आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 23 को रिजल्ट आना है और 22 तक इन्होंने चॉइसेस और लॉकिंग का पीरियड बढ़ा दिया है। तो ये है, अगर एमसीसी की डेट डिले हुई तो हो सकता है स्टेट के भी एक दो दिन एक्सटेंड हो जाएं आपको प्रोसेस में। इसी बीच बात करते हैं 2024 के काउंसलिंग की, तो ये स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है चॉइस फिलिंग को लेके। क्या स्टेट हम लें, जिस तरह रैंक में वेरिएशन आया है, किस तरह की चॉइसेस और बजट को हम ऑप्ट करें, ये मेजर कंफ्यूजन आ गया है। और बात करें अगर कर्नाटका स्टेट की, तो कर्नाटका की फीस में इंक्रीमेंट हो गई है 2024 में। अब फीस मोर देन 1 लाख अब पर ईयर बढ़ गई है, तो 12 लाख प्लस फीस हो गई है कर्नाटका की। तो दो मेजर स्टेट कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, अगर मैं बात करता हूं दो मेजर स्टेट कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और सबसे ज्यादा मेडिकल सीटें हैं। और अब जब कर्नाटका की फीस में इंक्रीमेंट हो गई है, तो दोनों स्टेट का बजट जो है इक्वल हो गया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो नॉर्थ में सबसे फेवरेबल स्टेट है। नॉर्थ के स्टूडेंट उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। साथ में अगर कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहां शुरू से डिमांड रही है कर्नाटक के कॉलेज की। साथ में कर्नाटक लोअर फीस के लिए भी जाना जाता था, बट 2024 में ये बात नहीं रही, कर्नाटक की फीस अब उत्तर प्रदेश के बराबर रह गई। सो अब आते हैं कि इन दो स्टेट में हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, किस तरह कॉलेजों के तरफ हमें बढ़ना चाहिए कर्नाटका और उत्तर प्रदेश को लेके। जहां तक केरला की बात करूं, तो केरला में इस बार नए दो कॉलेज परमिशन के लिए पार्टिसिपेट किए थे, बट केरला में वो दोनों कॉलेज को परमिशन 2024 में नहीं मिले। इसके साथ नुकसान ये हुआ कि केरला में दो कॉलेज जो पहले से थे वो और कम हो गए। दैट मीन्स केरला में 19 कॉलेज थे, अब 17 कॉलेज हो गए। जो दो कॉलेज इस बार जिनको परमिशन नहीं मिले, उसमें करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ है और श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोचीन है। तो ओवरऑल सीट कम हो गए हैं। जैसे इस बार कट ऑफ का वेरिएशन और रैंक का वेरिएशन इतना बड़ा हुआ है, उसमें केरला एक फेवरेबल स्टेट माना जाता था, बट अब जहां तक जो है कट ऑफ की बात है, केरला में कट ऑफ हायर पे जाने वाला है। अगर मैं केरला स्टेट के कट ऑफ की बात करूं, तो मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। केरला में 2024 में 580 प्लस कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सीटों में कमी आई है, दो कॉलेजों में कमी आई है। ऐसे ही केरला का कट ऑफ लास्ट ईयर हायर साइड पे थी, क्योंकि केरला की फीस लोअर साइड पे है। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं दो फेवरेबल स्टेट, जिसको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि इन दो स्टेट में आपको किस तरह अपनी प्लानिंग को बनानी चाहिए, किस तरह आप इस दो स्टेट को अप्रोच करना चाहिए। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माय यूनिवर्सिटी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि गेट माय यूनिवर्सिटी पे आपको
बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और एनालिसिस के साथ वीडियो मिलती है जो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्टेट लिए हैं, दोनों के टॉप 20 कॉलेज लिए हैं, जहां पे हम कट ऑफ को थोड़ा कंपेयर करेंगे 2023 से भी, और साथ में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ टॉप 20 में 2024 में क्या रहेगा। इसके साथ हम देखेंगे कि हम किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं और कॉलेज को किस हिसाब से हम यहां पे ले सकते हैं, ये थोड़ी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम आते हैं कर्नाटका राउंड वन, क्योंकि राउंड वन की अभी चल रही है, तो अब राउंड वन कर्नाटका और उत्तर प्रदेश राउंड वन को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो कर्नाटका राउंड वन नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए जो है, जो मैंने पहले क्लियर किया था कि ये नॉन डोमिसाइल के लिए, क्योंकि यूपी 100% ओपन है तो यहां पे हमने नॉन डोमिसाइल नहीं दिखा है। तो जहां तक आते हैं कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, खैर ये लीक से हटके है क्योंकि इसकी कट ऑफ गवर्नमेंट के बराबर जाएगी, लास्ट ईयर 629 थी, इस बार एक्सपेक्टेड है 650 प्लस जाएगी। इसके अलावा साई मधुसूदन साई, लास्ट ईयर जहां तक प्राइवेट की है थी, यहां फीस 750 रुपीज थी, लगभग नहीं के बराबर, इस बार इन्होंने फीस बढ़ा दी है, लगभग 25 लाख रुपया फीस है ओवरऑल। तो हमने साई को नहीं लिया है इस कंपेयर में क्योंकि फीस बहुत हायर साइड पे है। अब आते हैं केम्पेगौड़ा से, जो कि एक जो है कंपेयर में कॉलेज है उत्तर प्रदेश के। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो दो तरह का प्लानिंग है, कि एक हायर कट ऑफ जो कि टॉप कॉलेजों के लिए कर्नाटका में है, और उसके बाद वाले कट ऑफ जो कि लोअर कॉलेज और कहीं ना कहीं हायर कट ऑफ रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश है, उसको हम किस तरह प्लानिंग करेंगे कॉलेज लेने में, वो हम जानते हैं। तो केम्पेगौड़ा, वैदेही, बी आर अम्बेडकर, ये तीन ऐसे कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ आपको, जैसे केम्पेगौड़ा एक्सपेक्टेड है 2024 में 635 प्लस आएगा, वैदेही 630, बी आर अम्बेडकर 625 प्लस, और वीजीएस ग्लोबल आपको 623 प्लस का जाएगा। साथ में फादर मुलर भी, जो एक अच्छे कॉलेज हैं उनको हम रखते हैं, तो फादर मुलर भी आपको 625 प्लस का जाएगा। देखो, हर स्टेट में आपको कॉलेज वैसे लेने चाहिए जो कि आपको अच्छे ऑप्शंस हैं। बेसिकली जब भी आप कॉलेज चॉइस करते हो तो उसमें लोकेशन सेकेंडरी होना चाहिए। हमारा मानना है कि प्रायोरिटी पे कॉलेज ही, कॉलेज सिलेक्शन के लिए कॉलेज ही प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरे 5.5 साल रहना है, वहाँ की एजुकेशन लेनी है, वहाँ का आपको हेल्थ केयर सिस्टम देखना है, वहाँ के आपको पेशेंट फ्लो, और ओवरऑल आपको पूरा पैकेज मिलना चाहिए वहाँ पे। तो प्रायोरिटी आपको जो है कॉलेज सिलेक्शन की, हम कॉलेज को रखेंगे दोनों स्टेट के कंपेयर में, लोकेशन हम सेकेंडरी जाएंगे। जब हम देखेंगे कि कंपेयर में कॉलेज आ रहा है तब हम लोकेशन को प्रेफरेंस देंगे, कि जो हमारे नजदीक कॉलेज है उसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो अब आते हैं, जहां तक मैंने आपको बोला केम्पेगौड़ा, वैदेही, बी आर अम्बेडकर, वीजीएस ग्लोबल और फादर मुलर, ये आप 4-5 ऑप्शन आप रख सकते हैं कर्नाटका में जो है इस रैंक स्कोर पे, जिसके 620 से ऊपर के स्कोर हैं वो ये ऑप्शन पे जा सकते हैं। रीजन वाइज कि इन कॉलेजों की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, ओवरऑल बहुत इस्टैब्लिश्ड कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है। कर्नाटका में थोड़ा एज ये है कि कर्नाटका में फीस के अलावा अदर फीस आपको कम मिलेगी, ये भी एक पॉइंट है कॉलेज सिलेक्शन के लिए, कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेज, हिडन चार्जेज की बात करें वो कहां पे क्या लगता है। तो इस कंपेयर में भी आप ये 5 टॉप के कॉलेज, आप अगर आपका हायर स्कोर है तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। फिर अब सेकेंड रो में जब आता है तो वहां पे MRMC, MVJ, AJ, आकाश, ये सब, देखो
कर्नाटका में एक बड़ी और भी बात है कि कर्नाटका में जब नॉर्थ से लोग नॉन डोमेसाइल के बच्चे जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कर्नाटका में और क्या सिटी है जहां हम कॉलेज ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कॉलेज के रिगार्डिंग कितनी इंफॉर्मेशन है ये इस पे बहुत डिपेंड करता है। बींग एट माई यूनिवर्सिटी हम लोग फिजिकली कॉलेज रिव्यू करते हैं तो हमें पता रहता है कि आपको कॉलेज कहाँ पे लेना चाहिए, क्या फैसिलिटी है, और जब आप फिजिकली कॉलेज रिव्यू करते हैं तो वहाँ आपको पूरी जानकारी मिलती है। जब नॉर्थ से आप कर्नाटका के कॉलेज चॉइस को देखते हैं तो आपको केवल बैंगलोर सिटी ज़्यादातर पता है क्योंकि आपने ज़्यादा विजिट नहीं किया है कर्नाटका स्टेट, तो इसलिए आप केवल बैंगलोर सिटी जानते हैं। इसीलिए कई सारे ऐसे कॉलेज हैं बैंगलोर सिटी के अंदर में जो कि अच्छे नहीं हैं, जिसको ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए, फिर भी उसकी कट ऑफ बहुत हायर साइड पे जाती है, जिसमें से आकाश हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, ईस्ट पॉइंट हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं क्योंकि कर्नाटका सिटी सिटी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के ऑप्शन हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आपको लोकेशन प्रिफरेंस नहीं रखना है और बैंगलोर के लिए आपको कॉलेज नहीं च्वाइस करना है। बैंगलोर प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कॉलेज है। तो ऑप्शन आपको वो रखने हैं कॉलेज के जो कि कॉलेज अच्छा हो। हाँ, इसीलिए आप टीम गेट माय यूनिवर्सिटी को आप कनेक्ट करिए कॉलेज चॉइस के लिए, जहाँ पे हम लोग पूरे स्टेट के कॉलेजों के बारे में आपको बता सकते हैं, वहाँ के सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और कॉलेज कितना बेहतर है वो हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब हम आते हैं, जब हम टॉप 5 कॉलेज कर्नाटका से हमने उठाया तो अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में आप SRMS बरेली, शारदा मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा हिंद, रोहेलखंड और मुजफ्फरनगर, ये जो आपको ऑप्शन है। शुभारती थोड़ा चार्जेस को लेके आप थोड़ा कंफर्म हो जाना क्योंकि हिडन चार्जेस की बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि शुभारती में ली जाती है, तो वो इस चीज़ों के लिए आप क्लियर हो जाना तभी च्वाइसेस डालना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिडन चार्जेस भी एक इम्पॉर्टेंट रखता है। प्लस जो कल्चर है यूपी में, फाइन कल्चर जो कि फाइन लगाया जाता है, वो भी आपको यूपी में ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइन कल्चर कहाँ पे है और फाइन कल्चर में आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। इसके लिए भी आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने यूपी के सारे कॉलेज और कर्नाटका के सारे कॉलेज रिव्यू किए हैं, तो यहाँ इनपुट आपको प्रॉपर और क्लियर मिलेगी क्योंकि फिजिकली रिव्यू बहुत रेयर है जिन्होंने किया है। जहाँ तक आप डेटाबेस और स्टैट्स के हिसाब से आप कॉलेज सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो अब पॉइंट पे आते हैं, तो ये कॉलेज जो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि मैंने शुभारती को इसमें नहीं कंसिडर किया है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉलेज आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम और इस्टैब्लिश्ड, ये बहुत अच्छे कॉलेज हैं जहाँ की पढ़ाई अच्छी है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटका की फीस बढ़ गई है और नॉर्थ के लिए उत्तर प्रदेश एक फेवरेबल स्टेट है, तो इस बार उत्तर प्रदेश की कट ऑफ हाइयर साइड पे जाने के चांसेस हैं क्योंकि केरला 580 प्लस रहेगा, तो इस कंपेयर में केरला कहीं ना कहीं आपको ऊपर जाएगा। तो जहां तक यूपी की बात है तो रेस्पेक्ट टू यूपी, एक बड़ा स्टेट है और इस बार यूपी के कट ऑफ बहुत हाई जाने हैं वाले हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर यूपी की बात करें तो SRMS बरेली 550 प्लस रहेगा, उसके अलावा शारदा 570 प्लस रहेगा, शुभारती एक्सपेक्टेड है 525 प्लस रहेगा, हिंद बाराबंकी 550 प्लस रहेगा, रोहेलखंड 525 प्लस रहेगा, इसके अलावा मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो 530 प्लस रहेगा। तो इन कॉलेजों को आप इन 5 कॉलेजों के बाद ऑप्शन में कंपेयर में रखिए। इसके नीचे आप जैसे आकाश, AJ, इन सब से बेहतर ऑप्शन है ये और आप इनके लिए च्वाइस में डाल सकते हैं।
तो दोनों स्टेट में हम इस तरह चॉइस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों स्टेट में हम देखें कि क्या बेहतर ऑप्शन मेरे लिए है कि हम जहां पे अच्छी एजुकेशन और अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर ले सकते हैं। अब हम सेकेंड लीग में आते हैं कि सेकेंड लीग में हमें क्या करना चाहिए। तो सेकेंड लीग में जैसे आपको हेरिटेज है, आपको रामा है, आपको सरस्वती है, इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं टॉप 11 से टॉप 20 तक, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमने टॉप 20 कॉलेज उठाए हैं, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं टॉप 20 में, तो आप कंपेयर में क्या रख सकते हैं ये आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस वाले लीग के जो टॉप के बाद वाले लीग वाले कॉलेजेस हैं उसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कंपेयर में आप जैसे बैंगलोर के कई कॉलेज हैं आकाश, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जैसे मैंने बताया, इसके साथ ईस्ट पॉइंट हो गया, ये सारे कॉलेजों में आप बहुत अच्छे से कंपेयर करें कि आपको यूपी में क्या मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या मिल रहा है। तो जैसे अगर आपको केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा मिल जाता है तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी पेशेंट फ्लो है। इसके साथ आप अगर आपको सरस्वती हापुर मिल जाता है या रामा कानपुर मिल जाता है तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है कई सारे मेडिकल कॉलेज से जो है आपको कर्नाटका में। तो इस हिसाब से आप चलें। अगर मैं हेरिटेज की बात करूं तो 475 प्लस रहेगा आपको जो है 2024 में एक्सपेक्टेड, रामा कानपुर 475 प्लस ये भी एक्सपेक्टेड है, सरस्वती यहापुर 500 प्लस क्योंकि फीस कम है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर 510 प्लस। कहीं ना कहीं बजट भी एक पॉइंट रहेगा जो कि कॉलेज सिलेक्शन में रहेगा, जैसे हिंद सीतापुर ये भी एक पॉइंट है। साथ में कर्नाटका में भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपकी बजट 70 के आसपास जा सकती है, एग्जाम्पल में आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अलावा कनाचूर है, तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके फीस के अलावा चार्जेस ज़्यादा हैं जो कि आप कर्नाटका में हैं, और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी फीस लोअर साइड पे है, क्योंकि हिंद और सरस्वती जैसे हैं, इसके साथ आपको मायो है जिनकी फीस कम है, जिनके कारण उनकी कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा मिलेगी। तो हिंद की मैंने आपको बता दी जो है 510 प्लस रहेगी, केडी 450 प्लस, रामा क्योंकि केडी की फीस थोड़ी हायर साइड पे है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी थोड़े हैं वहाँ पे, रामा हापुर की 440, मायो 420 प्लस, राजश्री आपको 380 प्लस, टीएच मिश्रा आपको 420 प्लस, प्रसाद आपको 400 प्लस, नोएडा एनआईयू 450 प्लस। नोएडा का कट ऑफ लोकेशन के कारण जाता है, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज नहीं के बराबर है, तो अगर ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है तो उस कारण से आपको लोकेशन वाइज प्रिफ्रेंस ज़्यादा है, बट मेरा मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शन आपको इस स्कोर पे मिल सकता है। तो आ जाते हैं एनआईयू के लिए, इसके बाद जीएस हापुर में इसकी 350 प्लस जा सकती है क्योंकि 100 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इसके साथ आपको सरस्वती उन्नाव कृष्णा। तो जो लोअर साइड के कॉलेज हैं जैसे आपको प्रसाद एनआईयू जीएस सरस्वती इसके अलावा कृष्णा, तो इन कॉलेजों को आप किस तरह उठाना है, इसके कंपेयर में आप और कहां जा सकते हैं, क्योंकि इस स्कोर रेंज में कर्नाटका में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो कंक्लूजन है इसमें अगर मैं करूं तो पहले तो कर्नाटका के आप टॉप कॉलेज उठाइए टॉप 5, फिर कंपेयर में आप उत्तर प्रदेश के टॉप 4-5 आप उठाइए, फिर आप कुछ कंपेयर में कॉलेज आप उठा सकते हैं लाइक केडी, लाइक आपको जो है रामा कानपुर, और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप उस कंपेयर में ले सकते हैं वहां के कंपेयर में, जो कि आपको कई सारे कॉलेज के ऑप्शन मैंने आपको बताए जो कि बैंगलोर में भी है इनफैक्ट, और कुछ बाहर में भी है जैसे कनाचूर वगैरह है, ये सब भी आप जो है स्किप करके आप जो है यूपी में अच्छे ऑप्शन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं थोड़े, मैं आपको कट ऑफ आगे की मैं बता देता हूँ कर्नाटक में, तो जो है
एमआरएमसी का 620+, एमवीजे 618+ एक्सपेक्टेड, मैं ये बता रहा हूँ जो कि फर्स्ट राउंड में आएगा। इसके अलावा एजे 616, एजे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंगलोर में है, वो आप चॉइस में रख सकते हैं कंपेयर में। साथ में आकाश, जितना कट ऑफ है उस बेस पे आप यूपी में कॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद जेजेम जो है दावनगिरी है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं बैंगलोर में और कंपेयर टू यूपी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं ईस्ट पॉइंट, इससे बेहतर आप ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड, इससे बेहतर ऑप्शन उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं कानाचूर। तो जो है जो कट ऑफ है उस रिस्पेक्ट में मैं बता, तो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी आपको मैंने बताया। तो सो फ्रेंड्स, ये दो स्टेट कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में किस तरह कॉलेज आप ऑप्शन लें दोनों स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी उसी हिसाब से च्वाइस लें, उसी हिसाब से कॉलेज सिलेक्शन करें, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में फ्री एग्जिट है तो इसका भी एक बेनिफिट हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट राउंड ही आपको मैक्सिमम कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, सेकेंड राउंड से कट ऑफ हाई चली जाएगी और सीटें भी कम बचेगी। तो वो आपको कैसे बैलेंस करना है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के बीच, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी आप ध्यान से बैलेंस करें, तभी एक बेहतर ऑप्शन आप उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उठा सकते हैं। आप जरूर इस वीडियो के बाद कमेंट करें कि इस ऑप्शन और कंपेयर को आप किस तरह मापते हैं और किस तरह देखते हैं, जो मैंने कोशिश करी आपको समझाने के लिए। साथ में जो भी गेट माई यूनिवर्सिटी से पेड काउंसिलिंग लेना चाहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी संपर्क करें। इस तरह के जानकारी के साथ हम लोग काउंसिलिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इस तरह के पॉइंट्स निकालते हैं, और खास करके कॉलेज सिलेक्शन जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ काउंसिलिंग की जाएगी हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। सो आप जुड़िए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ, और इस वीडियो के बारे में भी आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है जो कि बच्चों को हेल्प करेगा। तब तक आप गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और भी एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।